सो हेलो पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में अपन क्या बात करने वाले हैं, ये है अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी का 14th वीडियो। इस वीडियो में अपन पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो मतलब एक सेल लिया, दूसरा सेल लिया और उनका इंटरनल रेजिस्टेंसेस लिया, उन दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया। अब क्या हुआ कि मेरे को यहाँ पे इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कैसे निकालूंगा, उसको अभी अपन देखने वाले हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि मैं जो हूँ ये वाला पाथ पकड़ा ए सी डी बी, तो पोटेंशियल डिफरेंस एट बी माइनस पोटेंशियल डिफरेंस एट ए को मैं बोला वी, ठीक है ठीक है। इज इक्वल्स टू क्या होगा, अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया अपना वाला और करंट भी इधर जा रहा है तो ये हो जाएगा माइनस आई आर वन, कैसे, किरचॉफ के सेकेंड रूल से, ठीक है। अब यहाँ आया माइनस, यहाँ आया प्लस, तो माइनस से प्लस जा रहा है मतलब बढ़ रहा है, तो यहाँ इवन आ जाएगा प्लस इवन, ठीक है। ये कब के लिए है, ए सी डी बी के लिए, ठीक है। अब इसकी जगह ये आ गया, अब यहाँ से आई का वैल्यू निकालूंगा तो आई वन, आई वन इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास, इसको इधर ले आ जाऊंगा तो इवन माइनस वी बाय आर वन हो जाएगा। हाँ, आई वन की वैल्यू आ गई मेरे से। अब मैं जो हूं ए एक्स वाई बी लेता हूं, ठीक है, तो इन ए एक्स वाई बी वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू, वी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस आई टू आर टू प्लस ई टू हो जाएगा, होगा कि नहीं। और आई टू की वैल्यू निकालूंगा यहां से तो यह जाएगा E2 माइनस V बाय R2 हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ से I2 की वैल्यू निकल गई। अब देखो यहाँ पे मैं इक्विवेलेंट मतलब दोनों का इक्विवेलेंट निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा मेरे को, I माइनस आई ई इक्विवेलेंट, सॉरी 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 यहाँ R इक्विवेलेंट होगा, माइनस ऑफ आई आर इक्विवेलेंट प्लस इक्विवेलेंट, यही मिलेगा क्या, हाँ बिल्कुल यही मिलेगा। अब देखो यहां से अगर मैं करंट का वैल्यू निकालूंगा आई का वैल्यू तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ई इक्विवेलेंट माइनस वी बाय आर इक्विवेलेंट, ये आएगा क्या, बिल्कुल ठीक है। तो यहां से आई की वैल्यू एक आ चुकी है मेरे पास, आई वन की वैल्यू आ चुकी है, आई टू की वैल्यू आ चुका है, मेरे को ये पता है कि आई इज इक्वल टू आई वन प्लस I2 होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है, तो I की वैल्यू ये डाल दूंगा, I1 की वैल्यू ये और I2 की वैल्यू ये, तो डाल देता हूँ, तो ये हो जाएगा I की वैल्यू E इक्विवेलेंट माइनस, अब R इक्विवेलेंट दोनों के साथ है तो E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट अलग लिख देता हूँ, माइनस V बाय R इक्विवेलेंट अलग इज इक्वल्स टू I1 की जगह क्या लिखूंगा, E1 बाय R1 माइनस वी बाय आर वन, ई वन बाय आर वन माइनस वी बाय आर वन, और आई टू की जगह क्या लिखूंगा, ई टू बाय आर टू, ई टू बाय आर टू माइनस वी बाय आर टू, है कि नहीं, बिल्कुल। अब वी वी वाला एक साइड ले जाऊंगा और वी को कॉमन निकाल लूंगा और ई वन ई वन वाला एक साइड ले जाऊंगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या मिल जाएगा, मेरे को ब्लैक से लिखते हैं, तो ये क्या मिल जाएगा, E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट माइनस V बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, अब E1 और E1 बाय R1 और E2 बाय R2 को एक साथ लिख देते हैं, तो हो जाएगा E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2, है कि नहीं, और माइनस में V कॉमन निकाल के 1 बाय R1 प्लस 1 बाय आर टू। अब मारवाई कंपैरिजन जो इंडियन पेरेंट्स बहुत अच्छी तरीके से मारते हैं, इस टर्म को इस टर्म के साथ कंपेयर करो, तो ये क्या, मैं वी यहां भी है, वी यहां भी है, यहां पे वन बाय आर इक्विवेलेंट का कोई वैल्यू दिख रहा है क्या, हाँ दिख तो रहा है, तो वन बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस का यही वैल्यू आता है, हाँ तो एक चीज तो मिल गई। अब E इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है, तो E इक्विवेलेंट मतलब ये वाली चीज को इसके साथ कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, E इक्विवेलेंट
बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू ई वन बाय आर वन प्लस ई टू बाय आर टू हो जाएगा। ठीक है, अब इस वन बाय आर इक्विवेलेंट को नीचे ले आऊंगा यहाँ पे, तो ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई वन बाय आर वन प्लस ई टू बाय आर टू अपॉन वन बाय आर इक्विवेलेंट। और वन बाय आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है ये, तो इसको यहाँ डाल दूंगा, तो हो जाएगा ई वन बाय आर वन प्लस ई टू बाय आर टू अपॉन वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास एक वैल्यू निकल के आ गई ई इक्विवेलेंट की, ये वाला जो वैल्यू है इसको स्क्रीनशॉट मार लो। ठीक है, अपन अपोजिट पोलैरिटी के लिए देखेंगे कि अपोजिट पोलैरिटी के लिए क्या होता है। ठीक है, इसका हम अगर मान लेते हैं पैरेलली कनेक्टेड है, लेकिन अब अपन पोलैरिटी रिवर्स कर दिए। पोलैरिटी रिवर्स का मतलब मान लेते हैं यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, ये माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस से माइनस कनेक्टेड रहना चाहिए, प्लस से प्लस। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये माइनस से ये प्लस कनेक्टेड हो गया है और यहाँ इस प्लस से ये माइनस, तो यहाँ पे पोलैरिटी थर्ड वाले का रिवर्स हो गया है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ई इक्विवेलेंट जो है वो कुछ ऐसा हो जाता है, ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ई वन बाय आर वन, जिसका पोलैरिटी सही है वो सेम प्लस में, ई टू बाय आर टू, यहाँ पे तीसरे में माइनस आ जाएगा क्योंकि इसका पोलैरिटी डिफरेंट हो गया है, इसके प्लस के साथ इसका माइनस मैच कर गया है, तो ई थ्री बाय आर थ्री माइनस के साथ। ठीक है, अपॉन वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री हो गया। ठीक है, इस ये जो है मेरे पास इक्विवेलेंट ईएमएफ आ गया। और इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या होगा, वो ऐड ही होगा, उसमें कोई पोलैरिटी काम नहीं करेगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि ये जो सर्किट है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में निकालना है। तो देखो यार, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है रेजिस्टर्स के ऊपर उतना कुछ वो नहीं करता है, क्या बोलते हैं, डिपेंड नहीं करता। पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली जो है इन ईएमएफ्स के ऊपर डिपेंड करता है, और ईएमएफ्स तीनों पैरेलल में है। पैरेलल में है तो ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाते हैं भाई, तो ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ई वन बाय आर वन, ई वन कितना है वन, तो वन बाय वन प्लस ई टू बाय आर टू, ई टू कितना है दो वोल्ट अपॉन आर टू कितना है वन, वन ओम प्लस E3 थ्री बाय आर थ्री, ई थ्री कितना है तीन अपॉन आर थ्री कितना है वन अपॉन वन बाय आर वन, वन बाय आर वन मतलब वन बाय वन प्लस वन बाय आर टू मतलब वन बाय वन प्लस वन बाय आर थ्री मतलब वन बाय वन। तो E इक्विवेलेंट कितना आया मेरे पास यहाँ पे, ये आया वन प्लस टू प्लस थ्री, ये आ गया सिक्स ऊपर और नीचे आ गया थ्री, तो सिक्स बाय थ्री मतलब टू आ गया, मतलब कि डी वाला ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। होप इतना समझ में आ गया, समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लो, मिलते हैं अपन अपने अगले वीडियो में, बाय बाय।